Can you see the screen, please? Yes, sir. So if you remember our last period, you found that we were discussing about the different crystal structure, isn't it? And some terms related to the different crystal structure. Last time, I have defined the coordination number, am I correct? And packing fraction or packing factor. Are you agree with this statement? Tareem, Nadia. Yes, sir. So now today. Yes, sir. Yes, sir. So today we will see the atomic coordination number, effective number of atoms per unit cell for the different structure. How many type of different structures are there? Crystal structure. 14 Brevis lattices are there, and these 14 Brevis lattices are divided or oriented into 7 different crystal structure. Am I correct? Are you agree? 7 alag alag crystal structure hai padhe humne. Tareem? Yes, sir. So now on that one, ab jo alag alag crystal structure hai, tetragonal, hexagonal, cube, तो वगैरह में के कुछ के जो है तो हम क्या करेंगे उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ उनका क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये कुछ अपने को कोऑर्डिनेट नहीं करना है बल्कि जो अवेलेबल है लिटरेचर में कि उनके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हेक्सागोनल में कितने रहेंगे, एटॉमिक रेडियस कितना रहेगा, ये आपके सामने फिगर के हिसाब से हम शेयर करते हैं। सो दिस इज टुडेस आर्टिकल। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता, आर यू एग्री? ऐसा रहता ना हेक्सागोनल, इससे पहले बताया था। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता, बोलते रहिए मुझे। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। अब क्यों हेक्सागोनल बोलते हैं आपके तो समझ में आ रहा। अगर आप इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर 17 यूनिट आइटम्स इन द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है ना हेक्सागोनल का, इसको यूनिट सेल ही बोलते ना। ऐसे कई यूनिट सेल का मिलकर एक क्रिस्टल बनता है, एम ए करेक्ट? So this is the unit cell. And unit cell किसका, कौन से structure का, किस structure का, geometry का? Hexagonal. Am I correct? So now in this unit cell of hexagonal, total 17 atoms are there. Are you there? Agree? 17 है क्या? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बराबर है। 17 आइटम्स आर देयर इन द यूनिट सेल। तरतीब कैसी है ये 17 की? 12 कॉर्नर को है। देखिए आप मुझे अनम्यूट करके बोलते रहिए। आर यू देयर महदिया? कैन यू सी 14? यस सर। 17 12 जो है तो कॉर्नर को है क्या? कॉर्नर को 1, 2, 3 कॉर्नर वाले गिनो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बारह कॉर्नर को है, बाकी के सेंट्रल या फिर अलग अलग है। तो देयर आर द 12, देयर आर द 17 एटम्स इन द यूनिट सेल, एम आई करेक्ट? 12 एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, बराबर है तहरीन? 2 एटम्स आर एट द बेसल प्लेन, yes, प्लेन है क्या? 12 कॉर्नर, 17 में से 12 कॉर्नर को है, 2 बेस को है, बराबर है? 2 एटम्स आर एट द बेसल प्लेन। Yes, sir. Isn't it? Then 3 completely inside the hexagon. 3 are completely inside the hexagon. Hexagon बोलते हैं ना कुछ? 6 जिले वाला है बोल के, बराबर है क्या? Yes, sir. ठीक है? Then you can find that the coordination number of hexagonal closed pack structure is 6. इसका कैसा कैसा आ गया? Effective number of atoms per unit cell कितने पकड़ना अपन आप? 2। उस दिन देखे थे ना एसएसटी में कि भाई कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 टोटल जिले कितने, 6 × 1/6 + 2 × 1/2 की जो बाहर है तो बीच में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो ये जो 12 है ना कॉर्नर को, तो 6 के हिसाब से हर एक वाला कितना दे रहा है, 1/6, तो ये 12, 6 × 12 वाले ये हुए, प्लस 2 जो बेस वाले हुए वो हाफ, प्लस 3 जो कहाँ पे है, 3 कहाँ पे थे? Completely inside. Center. Completely inside. जो थे वो 3।
उसके बाद ये यहाँ पे जो थे वो कहाँ पे थे, प्लेन के बेस पे थे, तो उनका आधा आधा हिस्सा, 2 × 1/2 बराबर है क्या? और 6 12 वहां है, 6 ऊपर 6 वाले नीचे, यानी 2 × 6 × 1/6, हर एक का हिस्सा 1/6 1/6 है ना, प्लस दिस वन, टोटल कितना आया? ये टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स आर 6 6। फिर अगर ऐसा है तो ये हिसाब से अगर यहाँ देखें, यहाँ से अगर ए निकल रहा, तो एटॉमिक रेडियस इज आर, आर इज इक्वल टू ए बाय 2, तब ए बाय 2 वेयर ए इज द रेडियस और हाइट ऑफ दिस हेक्सागन, ये ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना रहेगा फिर, अगर ये रेडियस है तो डायमीटर कितना होना, ये हिसाब से देखे तो अगर आर उसका रेडियस है तो टोटल फासला कितना होगा नियरेस्ट डिस्टेंस टू आर इज इक्वल टू ए, बराबर है क्या? Yes, sir. R 1/2 बराबर है? हाँ सर। R इज़ इक्वल टू ए होगा क्या? Yes, sir. तो फिर वो हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पकड़ना, उस दिन जो देखे थे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखे तो कल जो कोऑर्डिनेशन हिसाब से देखे तो वो हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 12। तो समझ में आया क्या? स्ट्रक्चर देख के समझने का है ये, इसको कोई ड्रॉ करने का है, हाँ इसका अगर सवाल रहा तो ड्रॉ करने का है, अदरवाइज फ्रॉम द फिगर यू कैन सी कैसे छह कैसा आया, समझ में आया आपको? कौन से लगे हुए आप, या माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि दिख रहा आपको यहाँ, समझ में आ रहा ये 6 8 ये 17 है टोटल, ये तो आसानी से समझ में आ जाता, 17 उसके एटम्स है, 17 एटम में से 12 जो है तो कार्नर को है, 2 जो है तो प्योरली बेस को है, और 3 उसके हेक्सागन के प्योरली इनसाइड अंदर वार के सिरों में है, तो लिहाजा इनका हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला दिए तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स जो रहेंगे, जो अपने यूनिट सेल में अपना रूल प्ले करेंगे वो कितने रहेंगे? 6। कैसा निकालने का, उस दिन भी बताए थे अपन ने, याद आता क्या थोड़ा सा तहरीम? हाँ सर याद। ठीक चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी कमोबेश वैसी स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है, अलग फिगर में बताया था। चलिए वैल्यूम ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, अब इसका वैल्यूम भी निकालने का है, तो वैल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैन बी डिटरमिन, क्या करके वैल्यूम मालूम, क्या क्या लगता है अपनी जनरली वैल्यूम के वास्ते? एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द यूनिट सेल, देन इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, तो वैल्यूम कितना हुआ एरिया ऑफ द हेक्सागन इंटू हाइट ऑफ द सेल, एरिया कितना होगा? अब उसको थोड़ा सा इस टाइप में अगर हमने ले लिया, अब देखिए ये ए बी सी यहां से वहां तक उसकी ये हाइट पकड़े थे ना, वो फिगर को अलग निकाले थोड़ा बाजू में, तहरीम समझ में आ रही के बाद मदिया, ये इसमें का फिगर निकाले थे ये, yes, ये इसको अलग से लेके बता रहे हैं, तो ये ए बी सी हो गए, ये इसमें का उसका रेडियस हुआ, वो ये एंगल बना इसके साथ, ये 60 डिग्री एंगल बना, और वैल्यूम निकालने का फार्मूला क्या रहता है हेक्सागन का, मैथमेटिक्स है ये, यहाँ कुछ आपको नया नहीं डिफाइन कर रहे, तो वैल्यूम ऑफ द हेक्सागन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट इंटू एरिया, एरिया ऑफ द हेक्सागन इंटू हाइट ऑफ द सेल, तो एरिया ऑफ द हेक्सागन कितना होगा, ये इतना पूरा एरिया हेक्सागन का, दो हिसाब से देखे तो कितने ट्रायंगल बने इसके अंदर, ये हाथ पे अगर अपन ट्राई करते 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है क्या, सब देखो ए सी बी, यस सर, है क्या ये ए बी सी या ये बोलो बी ए सी, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, तो टोटल हेक्सागन में ट्रायंगल कितने बने? 6 6। तो फिर अपन ने क्या लेना, एरिया ऑफ द 6 × ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे 6 बने और सब बराबर है, ये ट्रायंगल जितना है, इसका जितना बेस है, इसके जितने जिले है, उतना ये भी है, यानी कि बेस एंड साइड्स ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स आर सेम, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर देयर, एम करेक्ट? ये जितना ट्रायंगल ये भी है ना, तो फिर अपन ऐसा 6 ABC अगर पकड़ ले तो चलेगा ना, सब ABC एक जैसी है ना, ये ट्रायंगल जितना है उतना ही है, ये जितना इतना है, तो इसका अगर मालूम कर दिया अपने तो उसको 6 से जरब दिए तो एरिया आ जाएगा कि नहीं उसका? यस सर। इसका एरिया कैसा निकालना फिर आप, ये ट्रायंगल एबीसी का इसका है 6 तो जैसा वैसा इसका एरिया बोले तो 1/a दिस वन a sin थीटा, sin थीटा बोले तो यहां पे जाविया थीटा कितना ही है 60 डिग्री, तो 6 ये यहां का 6 है इट इज, और ये जो ट्रायंगल है एबीसी
उसका अगर हम इसकी बात करें ट्रायंगल एबीसी के एरिया के मतलब गिने इस तरह से, तो वन हाफ ए यानी कि ये इसका बेस ए इंटू ए साइन थीटा मतलब ए साइन 60, तो ये 6 जैसा कि वैसा अगर इसको अब इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा ए स्क्वायर साइन 60 और ये 3 दोनी 6, तो ए 3 ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया बराबर है के? यस सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, उसने करे इसको 3 से जरा देखे मतलब ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 360 दिस वन 3 ए स्क्वायर इनटू बाय 2. So if c is the height of the unit cell, then we can write volume is equals to. तो ये आ गया area, height समझो कितनी फर्श करो बोल रहा पूरे unit cell की c. C. तो फिर उस वक्त यहाँ कितना लेना area कितना आया 3 under root 3 a square upon 2 into height. Height is c. है बराबर. C. So this is the volume of. Yes sir. Hexagonal. Close stack structure. अब उसका c by a ratio निकालेंगे, उसको जो है सा अपने transform कर दिए. Three body atoms lie in the horizontal plane at the height of c by 2. क्योंकि height कितनी पकड़े थे उसको rotate ऐसा translation किए समझने के वास्ते. तो ये अपना ये 2r हुआ था क्योंकि r उसका radius था ना. यहाँ से यहाँ तक ये 2r हुआ. वो हिसाब से अगर हम देखें तो c by 8 from the base of the top of the hexagonal अगर निकाले तो 2 ये कितना है r 2r है. तो 2r square is equal to x square plus c by 2 square होगा क्या? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? है क्या? Yes sir. अब आप yes sir. Mine आप my yes sir. दिख रहा? तो ये इसका भीतर है क्या नहीं? 2r. Yes sir. ये एक जिला है. कितनी है उस जिले की हाइट? कितनी बन रही है यहाँ के हिसाब से? और ये एक जिला है. इसकी कितनी है लेंथ? x c by 2 और ये x और ये ट्रायंगल है 2r. कूलर का जो फार्मूला है वो हिसाब से yes, 2r square is equal to a square plus b square रहता ना और जाविया तो एक है साथ में मसला नहीं तो yes. 2r square is equal to x square plus c by 2 x square आएगा बराबर. अब ट्रायंगल a p q yes sir. ट्रायंगल a p q ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो cos of 30 है. ये ट्रायंगल कितना है? 30 है. तो वो हिसाब से cos of 30 जब ये ट्रायंगल में अगर लिए तो a by 2 divided by x. तो यहाँ से x कितना लेना फिर अपुने? Under root. क्योंकि cos 30 x under root. ये a आया. ये इधर से कटा 2 by 3 by 2 x is equal to under root 3. तो ये 2r square यहाँ के इसमें गए तो x कितना है? x कितना है? a by under root a by under root 3 और ये c by 2 जैसा क्या वैसा. सॉल्व करो इसको. 2r बोले तो कहाँ से आया था 2r? ये देखो ये क्या था? ये 2r distance near distance इस small ये था ना. ये याद रखो इस 2R yes, sir. A, तो मैं यहाँ लिखूं क्या वैसा 2R के जगह पे A लिखूं? Yes sir. 2R बोले तो A square is equals to ये as it is A under root 3 square plus C by 2 square. सॉल्व करो इसको. ये C square upon 4 ये C square upon 2 दोनी 4 इधर आ गया A minus A होगा. ऐसा कर सकेंगे क्या? बोलो सॉल्व करें. ऐसा आएगा? देखो आप पहले देखो आता कैसा. ये जो मैंने तो c square upon b is equal to under root 8 by 3. तो ये क्या हो गया? उसका कौन सा रेशियो निकला? c by a रेशियो. अपुन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का क्या क्या निकाले अभी तक? पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, उसके बाद उसका क्या निकाले? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का वैल्यू. दिस वन वॉल्यूम b is equal to root 3 root 3 by 2 into a square c. फिर उसके बाद c by a ratio निकाले. The three body atoms lie in the horizontal plane at height of c by 2 from the base or at the top of the hexagonal. Then by using the simple method trigonometry, we have obtained the c by a ratio. अब निकालेंगे atomic packing factor.
जो वहां ले रहे थे ना उसका फार्मूला है कम इफेक्टिव फैक्टर का कि 6 6 है वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू 3 अंडर रूट 2 बाय क्यू इसको सॉल्व करें तो यहां से आर आ जाएगा इतना है क्या तो एटॉमिक फैक्टर कितना हुआ आर इज इक्वल टू ए बाय टू पाया मैंने उस दिन आता क्या एक छोटी सी टर्म बोल के निकल गया था ये फार्मूला है उसका बोल के कि 1 माइनस एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इंटू 100 एक टर्म थी ना कोऑर्डिनेशन नंबर एटॉमिक फैक्टर तो वाइड स्पेस कितनी हुई क्या फार्मूला है इसका 1 माइनस एपीएफ बोले तो क्या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फैक्टर तो 1 जैसा क्या था एटॉमिक फैक्टर किसका है अपना एक मोटे अल्फाज में अगर बोलने का तो जहां पर एटम या आयांस या मॉलिक्यूल अकोमोडेट नहीं हुए खाली है वो स्पेस आ रही बात समझ में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनका ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है मैग्नीशियम कैडमियम और जिंक जिंक दीज आर द एलिमेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड विच पजेस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड व्हेन द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज देयर देन सच टाइप ऑफ पिक्चर इज टू बी ड्रॉन एंड दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैज इफेक्टिव आइटम्स पर यूनिट सेल 6 आर यानी कि रेडियस इज इक्वल टू दिस मच ए बाय 2 वेयर ए इज द हाइट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है यानी कि हर दो के दरमियान का करीबी फासला यानी कि 2 आर यानी कि ए स्मॉल ए और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल में कितना रहेगा 12 लिहाजा ये टर्म्स हैं जो कौन से स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं ये वैल्यूज है टर्म्स नहीं सॉरी वैल्यूज आर ऑफ द डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट which are associated with which type of structure hexagonal closed pack structure are you got this one ab itna jo apne nikale atomic packing factor wide space aur kya nikale apne c by ratio aur volume etc etc now we will see for the another structure sodium chloride structure kisko bolte sodium chloride है क्या अपने आम लाइफ में है सोडियम क्लोराइड नमक 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 NaCl NaCl का स्ट्रक्चर जो है तो किससे बना हुआ था उस दिन भी एग्जांपल दिया था इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ रहता क्रिस्टल और क्रिस्टल लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है क्रिस्टल तो है वो तो तय हो गई बात अब लेकिन इसका स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 FCC फेस्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना उसका इस कंसिस्ट ऑफ 2 FCC सब सब लैटिसेस कौन कौन से रहते हैं 1 ऑफ द क्लोरीन आयन हैविंग इट्स ओरिजिन एट द 000 ओरिजिन याद आता है क्या बोला था तो यस सर निकालते वक्त बताया था ना ऐसा आता क्या जी सर यस सर स्ट्रक्चर है नमक का इस दिन अपन बिलेंस वगैरह बता रहे थे क्या उस दिन बताया था ना कि ओरिजिन लेने का एक है क्या ये तो इसको अगर ओरिजिन पकड़ लिया समझो ये क्लोरीन का तो फिर आगे सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम फिर क्लोरीन फिर सोडियम ऐसे रहेगा ना तो NaCl इज कंसिस्ट ऑफ एन आयोनिक FCC सब लैटिसेस इजंट इट एंड 1 ऑफ द क्लोरीन आयन इज हैविंग इट्स ओरिजिन एट 000 एंड अदर ऑफ द सोडियम आयन्स हैविंग द ओरिजिन एट 200 each ion in sodium chloride lattice has 6 nearest neighbor sab kuch hai hai na idhar se sodium chloride mein kyunki cubic structure hai samajh mein aa rahi baat yes sir the coordination number rahega 6 dekhiye isme samajh mein aayega aap right sodium yes sir the such type of structure is there यहाँ पे देखिए आप अगर वैसे प्लेन के हिसाब से अगर लें तो आप दिस टाइप
निकाले अगर उसके सेल निकालना चाहे तो ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज फोर सोडियम आयंस एंड फोर क्लोरीन आयंस। ये स्ट्रक्चर है, इसमें चार क्लोरीन और चार सोडियम आयंस, सोडियम एक यूनिट सेल में। तो देयर आर फोर मॉलिक्यूल इन ईच यूनिट सेल, समझ में आया क्या? एक यूनिट सेल के एक सिरे पे चार क्लोरीन चार सोडियम, एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल? फोर मॉलिक्यूल। तो वो हिसाब से अगर देखें तो ऐसा बनना ओरिजिन है बनकर जीरो जीरो जीरो, फिर वन बाय टू जीरो। ये समझ में आया ना, उस दिन बताया था पीले नहीं है मिलर इंडाइसेस, वो हुआ क्या अपना याद आता? यस सर। जीरो वन हाफ, तो ये दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम इन केस ऑफ दिस वन। अब इस और एक स्ट्रक्चर ऑफ सीसीएम क्लोराइड, सीसीएम हाँ वो सोडियम क्लोराइड लिए थे, ये सीसीएम क्लोराइड। सीसीएम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, इसमें भी सीसीएम और क्लोरीन रहते हैं। तो ये लैटाइस पॉइंट ऑफ सीसीएम क्लोराइड हैज टू इंटरपेटेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटाइसेस, ये भी सिंपल क्यूबिक है, इसके अंदर सब लैटाइसेस ऑक्युपाइड सोडियम, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है सीसीएम क्लोरीन सीसीएम क्लोरीन सीसीएम क्लोरीन, इस टाइप से। और कोऑर्डिनेशन ऑफ द आयंस कैसा है, फिर एक बार जीरो 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 वन, ये कौन सी है वन जीरो 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 वन जीरो एंड सो ऑन। तो इस तरह की उसकी तरतीब रहेगी, सीसीएम रहेंगे ये डायरेक्शन में और क्लोरीन रहेंगे ये डायरेक्शन। ये जो निकाले ना आपने ये क्लोरीन और सीसीएम का वो निकाले स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको इस, ये मैं इतना इतने फिगर लिया ये कलर में ताकि आपको क्लोरीन का ही सोडियम का ही समझ में आए। आ रहा है क्या समझ में कुछ थोड़ा बहुत? तो भी यस सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता लेकिन ख्याल रखिएगा। Have you got? Yes, sir. Now, after having seen this one, the yes, next sir. That we are going to see is the symmetry. Symmetry किसको बोलते देखने का आपने? अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्रिस्टल की। क्रिस्टल के अंदर क्या रहता था, थोड़ा सा और समरी दीजिए। Crystals are ordered internal arrangement of atoms. Am I correct? मैं बोलता हूँ एक एक लाइन आप सुनिए और बोलिए बराबर है क्या, आपके समझ में आ रही थी yes. ये क्रिस्टल क्या है, ये पूरा अभी तक जितना अपने पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक से दो मरतबा चार मरतबा पढ़िएगा, समझ में आ रही बात? ओके सर। हाँ, क्योंकि इसके अंदर लैटाइसेस है, क्रिस्टल प्लेन्स है, मिलर इंडाइसेस है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब एक नया कंसेप्ट क्रिस्टल का अपने को पढ़ने का, सिमेट्री। अब किसको सिमेट्री बोलते पहले वो समझ लीजिए, लेकिन फिर सिमेट्री पढ़ने से पहले फिर एक बार क्रिस्टल के हम जो है तो किसके ऊपर आते हैं, डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि क्रिस्टल इज नथिंग बट इट इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम, बराबर है क्या? ऑर्डर अरेंजमेंट है ना, पीरियोडिक। दिस ऑर्डर अरेंजमेंट शो सिमेट्री, क्या बोल रहा हूं कि यही एटम्स की ऑर्डर अरेंजमेंट जो कि क्रिस्टल के अंदर है क्या दिखाती, सिमेट्री दिखाती। अब सिमेट्री बोलते अब क्या दिखा दी, सिमेट्री दिखा दी बोलते क्या, वो भी सुन लीजिए, मैंने बोला सिमेट्री दिखा दी तो आप खामोश बैठे। सिमेट्री क्या है सुन लीजिए, दैट इज एटम्स आर अरेंज इन ए सिमेट्रिकल फैशन इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क रिफर्ड एज दैट है कि नहीं सिस्टमेटिक। एक खास किस्म की सिमेट्री दिखती कि नहीं, अगर आपने बीचों बीच से अगर उसको काट दिए तो बराबर इधर इधर चार आइटम दिखेंगे, इधर चार आइटम दिखेंगे। हेक्सागोनल को अगर बीच में से आप काटते थे, देखिए पीछे की पिक्चर में, या इसको अगर यहाँ से काटते थे या ऐसा ऐसा अगर आप ऐसा लेते थे तो इधर तीन इधर चार इधर तीन इधर तीन, ऐसा दिखते थे कि नहीं, आया कि समझ में आपको? सिमेट्री बोलते ना एक जैसे है, यानी के क्रिस्टल लेटाइसिस एक सिमेट्री है जिसके अंदर क्लोज या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द एटम ये थ्री डायमेंशनल में एक फंक्शनल तरीके से एक नेटवर्क के तरीके से लगी हुई है, तरतीब से है, और यही जो है तो सिस्टमेटिकल या सिमेट्रिकल फैशन अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द लैटाइस इज कॉल्ड एज सिमेट्री। सिमेट्री गिव राइज टू सिमेट्री, क्या बोलेंगे?
the atoms arranged in the crystal lattice in the symmetrical fashion. In a symmetrical fashion. In three dimension network. Lattice woman कौन से कितने dimension में है? Crystal lattice कितने dimension में है? Three dimension में. बेशतर तो. तो थ्री डायमेंशनल लेटाइस के नेटवर्क में सिस्टेमेटिक या सिमेट्रिकल फैशन से लगे हुए एटम्स किसको राइज करते, क्या देते, क्या बोले जाते? सिमेट्री. क्यों हुआ ऐसा? सिमेट्री से मतलब क्या, सुन लीजिए और आगे. कि व्हेन द क्रिस्टल फॉर्म एन एनवायरमेंट वेयर देयर आर नो इंपीडिमेंट्स टू इट्स ग्रोथ, क्रिस्टल फेसेस फॉर्म द स्मूथ प्लेनर बाउंड्रीज that make up the surface of the crystal. ये लाइन पढ़ के नहीं समझ में आती. और आगे सुन लीजिए कि ये जो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है क्रिस्टल लेटाइस के थ्री डायमेंशनल में, ये क्रिस्टल लेटाइस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि ये एक मखसूस किस्म की बाउंड्री क्रिस्टल के अंदर फॉर्म करते, और ये क्रिस्टल फेसेस जब रिफ्लेक्ट होते तो दिस क्रिस्टल फेसेस रिफ्लेक्ट इन द ऑर्डर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड दस द डायमेंशनल ऑफ द क्रिस्टल कंपोज्ड ऑफ द एटम इन एन ऑर्डर इंटरनल अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड. अभी और नहीं समझ में आया तो नीचे समझ में आएगा. ये देखो, ये फिगर में आपको बता रहे कि क्रिस्टल लेटाइस के अंदर सिमेट्रिकल फैशन से लगी हुई एटम्स की अरेंजमेंट क्या करती, क्रिस्टल को रोटेट भी करी. देखो देखो, एक क्रिस्टल है, एक लेटाइस है क्या लेटाइस मान रहे हैं आप इसको, लेटाइस है बोल के? यस सर. क्या है, क्यों लेटाइस बोला मैंने इसको, कि भाई आइटम्स बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से लगे हुए है, क्या है क्या सिस्टेमेटिक? यस. इसको रोटेट कर दो मैं 90 डिग्री से, पहले फिगर वाले, पहले फिगर वाले, इसको इसको रोटेट ऐसा 90 डिग्री में करा तो ऐसा बनेगा कि? Yes, sir. Yes, sir. क्या फर्क पड़ा जी, कुछ फर्क पड़ता दिखता? आइटम फिर इधर उधर जगह छोड़े नहीं सर. इसको फिर और इसको और रोटेट करो 90 डिग्री में. तो बात ये समझ में आई कि व्हेन वी रोटेट द क्रिस्टल the arrangement of the atoms looks to be same. Arrangement of the atom या peculiar lattice structure remain या looks same. ऐसा 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 भी फिरा है तब भी आपको same is लग रहा है कि नहीं? अगर चाहे देखिए यहाँ का ये यहाँ वाला इधर आया, बाद में इसको rotate करे तो ये वहाँ वाला यहाँ गया, फिर उसको ऐसा rotate करे 90, तो बड़े कैसे देखिए आप तीर के निशान से बताने की कोशिश करें हमने, तो फिर overall structure ये चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So, if we rotate the simple crystal by 90 degree, we notice that the lattice and the crystal looks exactly कैसा? Rotate भी कर रहे. Same. Same is दिख रहा. यानी जहाँ से start करे तो वहाँ जाते हो. यूं 90 करके करे. तो जहाँ से शुरू करे वहाँ जा रहे कि नहीं? इधर से भी यूं इधर से भी फिर आए. ऐसा ये direction बताया. ये खास important ख्याल रखिए ये भी. तो भी ये करके देखे थी इधर जा, इधर से करके देखे थी यार. यानी कि इफ वी रोटेट द क्रिस्टल लेटाइस टू द 90 डिग्री वी ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल लुक्स आर एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव स्टार्टेड. दैट मींस रोटेट इट इफ अनदर 90 डिग्री अगेन इट इज सेम, अनदर 90 डिग्री रोटेशन अगेन रिजल्ट इज आइडेंटिकल, अनदर 90 रोटेशन रिटर्न द क्रिस्टल टू इट्स ओरिजिनल रोटेशन. कितना 90 फिराओ, तीन तीन मरतबा फिराने के बाद वहीं पर आता हो जहां से शुरू किए थे. Thus in 360 rotation the crystal has repeated itself of looks identical four times. Thus we can say that the object has four. ऐसा अगर करें कि चार मरतबा 90 करके 360 करके भी repeated itself करें तो भी crystal का structure कैसा लगता, चार के बाद looks identical four times. Isn't it? ये दो और ये दो करें भी तो बाद में कैसा लगता होने? कि क्रिस्टल का रोटेशन कौन से टाइप में है. दस वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज, क्या बोलना आपने, कितने मरतबा फोल्ड बोले तो फोल्ड करोगे तो ना
ये देखो पहले ये ऐसा दिख रहा क्या आपको, दिखता क्या ऐसा, फिर और ऐसा, आ गया समझ में, दूसरे साइड से ऐसा 90 डिग्री ना, फिर 90 डिग्री, तो चार रोटेशन के बाद कैसा दिख रहा आपने भैया, यानी कि नौवा नौवा चार मरतबा करे तो कितने मरतबा हुआ, बोलिए ना प्लीज, 180 चार मरतबा 360। हाँ तो 360 के बाद भी कैसा दिख रहा उन्हें, वहां दिख रहा जहां से स्टार्ट करे थे, तो इसका मतलब कि अगर रोटेशन के बाद सिमेट्री आती है तो इसको क्या नाम से पुकारना हमने, ये ऑब्जेक्ट को क्या है बोलना, दिस ऑब्जेक्ट हैज फोर फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, क्या बोलेंगे उसको, फोर फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। और एक डेफिनेशन लेके फिर हम रुकाते हैं, पीरियड चार मिनट बाकी है, सिमेट्री ऑपरेशन किसको बोलेंगे, सिमेट्री समझ में आ गई क्या आपको, यस सर, किसकी सिमेट्री, किसके ताल्लुक से कर रहे सब अपन, ये किसकी बात चल रही, गुज़िश्ता 7-8-10 पीरियड से किसके बारे में चल रहा अपना, क्रिस्टल, क्रिस्टल के बारे, जिसके अंदर आइटम सिस्टमैटिक है, तो सिमेट्री ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म, बोलते ऑपरेशन बोलते अमल, कौन सा अमल, सिमेट्री ऑपरेशन किसको बोलते, किसके ऊपर करने के सिमेट्री ऑपरेशन अपने को, क्रिस्टल के ऊपर, कब बोलना वो सिमेट्री ऑपरेशन है बोल के, क्रिस्टल के ऊपर जो अमल करे वो सिमेट्री ऑपरेशन हुआ बोल के कब बोलेंगे हम, ए सिमेट्री ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म आइदर फिजिकली, सुन लीजिए, आइदर फिजिकली और इमेजिनेटिवली, इमेजिनेशन के तौर पर, किसके ऊपर करना, ऑन द क्रिस्टल, क्या होता है लेकिन कब, दैट रिजल्ट इन द नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली या इमेजिनरी हम ऑपरेशन करते हैं, और ये देख, ऑपरेशन मतलब चिड़फाड़ नहीं, ऑपरेशन मतलब रोटेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसको बोल रहे सिमेट्री, ठीक है, तो व्हेन द क्रिस्टल लेटाइस और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकली और इमेजिनरीली टू ए ऑपरेशन such that after that operation the total appearance of the object remains same or there is a no change in the appearance of the object then such type of operation us tarah ka amal kya kehlata ke bhai tum crystal ko aisa 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 phirao ya aisa aisa phirao aur usko rotate karo ya usko invert karo ha tab bhi total crystal kaisa lagta सेम लगता, सिमेट्री, सिमेट्री लगता, सेम लगता, उसके अंदर कोई तब्दीली हुई बजाहिर नजर नहीं आती, तो इस तरह का ऐसा ऐसा करना या ऑपरेशन करना, वो किस्म के ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन कहलाएंगे, सिमेट्री ऑपरेशन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट चेंज, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। अगेन इट इज एम्फसाइज्ड दैट इन क्रिस्टल द सिमेट्री इज इंटरनल, आप क्रिस्टल के अंदर तो सिमेट्री इंटरनल रहेंगे, अंदर के एटम नहीं बदलते ना, दैट इज इट इज एन ऑर्डर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल ऑन द क्रिस्टल लेटाइस, समझ में आ गया कि सिमेट्री ऑपरेशन किसको बोलते हैं, ऐसे ऑपरेशन, यस सर, हां ऐसे ऑपरेशन जो परफॉर्म करने के बाद ऑब्जेक्ट को तब्दील नहीं करते, अब ये ऑपरेशन हमको मंदजा ज़ेल या हमारे मौजूदा चैप्टर में किसके साथ अप्लाई करने हैं, क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल के सिमेट्री ऑपरेशन किससे रिलेटेड रहेंगे कि उनके अंदर रहेंगे ना, क्योंकि आइटम्स का ये सारा मामला कहाँ है, क्रिस्टल कैसे ऊपर से दिख रहा है तुम्हारे, पहला आइटम देखो, ये देखो ये यूनिट सेल, ये देखो ये पहला आइटम है, ऐसा बता सकते हैं आप क्रिस्टल में, ये तो कहाँ ही सब अंदर अंदर है, तो ये क्रिस्टल की सिमेट्री भी किससे रिलेटेड है, उसके इंटरनल है, जो कि उसके ऑर्डर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के साथ जुड़ी हुई है, यानी के पूरे एटम जो ज्योमेट्री में जुड़े हुए रहते इन ऑपरेशंस करने के बाद कैसे पाए जाते, सेम, नो चेंज, तो लिहाजा वो ऑपरेशन जो क्रिस्टल के साथ किए जाएंगे और जिसमें आप जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री सेम रहेगी, क्या ऑपरेशन बोल के पुकारे जाएंगे, बोलिए तहरीम मदिया, सिमेट्री ऑपरेशन आ गई बात, अब सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से हैं सुन लीजिए, टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन सिमेट्री, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये तीन किस्म के सिमेट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड
रिफ्लेक्शन। एक और एक है जो एडिशन में आता है यहाँ पर ट्रांसिशन में, इन्वर्शन, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है। Have you got this one? Yes, sir. आज का आर्टिकल समझ में आया? Yes, sir. दो मिनट रह गए हैं, तीन yes, sir. अब तीन मिनट में अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, रिपीट करूं, समझ में आया आज का क्या चला? पहले तो मैंने मुख्तलिफ जो अलग अलग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बताया, हेक्सागोनल और सोडियम क्लोराइड का एक, और सीसीएम क्लोराइड का हेक्सागोनल की मिसालें थी, मैग्नीशियम, जिंक, बराबर है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड खुद एक एग्जांपल बोर के लिए, और दूसरा सीसीएम क्लोराइड। और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिमेट्री, कि सिमेट्री ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म करने का, क्रिस्टल के ऊपर। जब क्रिस्टल के ऊपर इस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता तो क्रिस्टल के अंदर एटम्स की जो तरतीब है वो अनचेंज रहती, तो लिहाजा ये चेंज, ये ऑपरेशंस, ये अमल जो कि क्रिस्टल के ऊपर किए जाएंगे और क्रिस्टल की ज्योमेट्री को नो चेंज रखेंगे, सेम रखेंगे, वो ऑपरेशंस क्या नाम से पुकारे जाएंगे? सिमेट्री ऑपरेशंस। द टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जनरली आर फोर, विच आर दे? ट्रांसलेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री जिसको मिरर भी बोलते हैं, इन्वर्शन सिमेट्री दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये चारों एक नजर इनके ऊपर कल जो है तो ऐसा से जो है तो करके निकल जाएंगे। रिमेनिंग थिंग इंशाल्लाह वी विल सी टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज एट 2:45 और 3 PM। ठीक है, मे आई स्टॉप हियर? यस सर, यस सर।